नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर मणिपुर से आ रही है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लगातार भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते बुधवार रात नोनी झील में तुपुल रेलवे स्टेशन पर भारी भूस्खलन हुआ है। आम लोगों के साथ टेरिटोरियल आर्मी के कई जवान इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि अब तक 7 जवानों के शव बरामद किए गए हैं। भीषण भूस्खलन के बाद भारतीय सेना के कम से कम 55 जवान और कई लोग लापता हैं। रेलवे के अनुसार अब तक 19 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। वहीं बड़े पैमाने पर मलबे गिरने के कारण इजेई नदी का बहाव रुक गया है। इसके चलते इलाकों के लिए खतरा पैदा हो गया है। मलबे में दबे हुए लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूस्खलन के बाद NDRF, SDRF, राज्य सरकार और रेलवे के बचाव टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं घायल हुए लोगों का इलाज नोनी आर्मी अस्पताल में चल रहा है। खराब मौसम और भूस्खलन के कारण बचाव कार्य में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश के कारण कई लोगों को NH-37 पर यात्रा न करने की भी सलाह दी गई थी। मणिपुर के नोनी झील में हुई भीषण लैंडस्लाइड के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिन्हा ने एक आफत बैठक बुलाई है। उन्होंने सभी से पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया है। साथ ही बीरेन सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर भी स्थिति का जायजा लिया है। तो दोस्तों, उन जवानों के लिए दुआ कीजिए, हमारे वो जवान सही सलामत हो। साथ ही दोस्तों, इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले वीर बलिदानियों की आत्मा को भगवान शांति दे। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।